नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके क्या क्या फल हैं, कौन कौन ग्रह, कौन कौन देवता हैं, इनके बारे में आज बहुत अच्छे से हम आपको बताते हैं। रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं और हर रुद्राक्ष देता है आश्चर्यजनक लाभ। शिव तथा रुद्राक्ष एक दूसरे के पर्याय हैं। शिव साक्षात रुद्राक्ष में वास करते हैं। जनसाधारण रुद्राक्ष के महत्व को जानते हैं। रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक पाए जाते हैं। शैव संप्रदाय हमारे यहाँ बहुलता से होते हैं। शिव तो राम कृष्ण व विष्णु के भी आराध्य हैं। रुद्राक्ष माला से जप करने तथा धारण करने से करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक रुद्राक्ष में कोई ना कोई अधिष्ठाता ग्रह तथा देवता होते हैं। इन्हें धारण कर अलग अलग लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज हम 14 मुखी रुद्राक्ष पर ही विशेष ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। इन्हें साक्षात शिव माना गया है। पापों का नाश, भय तथा चिंता से मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति धारणकर्ता को समय में ही प्राप्त होता है। इसके ग्रह सूर्य हैं। धारणकर्ता को शिव जी के साथ सूर्य देवता का भी आशीर्वाद मिलता है। नंबर दो मुखी रुद्राक्ष। यह हर गौरी यानी अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। इसका ग्रह चंद्रमा है। इसे धारण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। इसे धारण करने से एकाग्रता व शांति प्राप्त होती है। वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। स्त्री रोग, आंख की खराबी, किडनी की बीमारी को दूर करता है। अब बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष। यह ब्रह्म स्वरूप है तथा इसके देवता मंगल हैं। इसे धारण करने से वास्तु दोष, आत्मविश्वास में वृद्धि, ज्ञान प्राप्ति में लाभ होता है। संक्रामक रोग, स्त्री रोग आदि में ये लाभ देता है। चार मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता ब्रह्मा तथा ग्रह बुध देवता हैं। इसके धारण करने से सम्मोहन की शक्ति आती है। नाक, कान व गले के रोग, कोढ़, लकवा, दमा आदि रोगों में भी लाभ मिलता है। पांच मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता रुद्र हैं। यह ग्रह बृहस्पति हैं। इसे धारण करने से कीर्ति, वैभव तथा संपन्नता में वृद्धि होती है। किडनी के रोग, डायबिटीज, मोटापा, पीलिया आदि में लाभ देता है। अब बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष। इसके अधिष्ठात्रा देवता गणेश एवं कार्तिकेय हैं। इसके देव ग्रह जो है वह शुक्र है। कोढ़, नपुंसकता, पथरी, किडनी तथा मूत्र रोग आदि के लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष। इसे सप्तनाग निवास करते हैं। सप्त ऋषि तथा अनंग देवता अधिष्ठाता देवता हैं। इसके ग्रह शनि महाराज हैं। शारीरिक दुर्बलता, उदर रोग, लकवा, चिंता, हड्डी रोग, कैंसर, अस्थमा, कमजोरी आदि के लिए सात मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब बात करते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष। इसमें कार्तिकेय गणेश अष्टमात्र का अष्ट बसु। इसके ग्रह राहु है। अशांति, सर्प भय, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि में यह धारण किया जाता है। नौ मुखी रुद्राक्ष। नव दुर्गा तथा भैरव इसके देवता है तथा ग्रह शुक्र है। फेफड़े, ज्वर, नेत्र रोग, कर्ण रोग, संतान के लिए, उदर कष्ट, संक्रामक रोगों की शांति के लिए नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। दस मुखी रुद्राक्ष। भगवान विष्णु इसके देवता एवं दस दिक्पाल तथा दस महाविद्याएं इसके देवता हैं। सभी ग्रह इसके देवता हैं। इसके धारण करने से नवग्रह शांति तथा कफ संबंधी, फेफड़े संबंधी, हृदय रोग आदि में लाभ मिलता है। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष।
सभी एकादश रुद्र इसके देवता हैं। सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं यदि इसे धारण किया जाए तो स्त्री रोग, जोड़ तथा स्नायु रोग, वीर संबंधी रोगों में लाभ देता है। अब बात करते हैं बारह मुखी रुद्राक्ष की। इसके देवता तथा ग्रह सूर्य हैं। इसे धारण करने से तेजस्वी तथा ऐश्वर्य वृद्धि होती है। सिर दर्द, गंजा रोग, बुखार, नेत्र रोग, हृदय रोग, मूत्राशय आदि के में लाभ होता है। बात करते तेरह मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता कामदेव हैं तथा इसके ग्रह सभी हैं। आकर्षण, वशीकरण, सुंदरता, समृद्धि आदि में लाभ होता है। मूत्राशय, नपुंसकता, गर्भ संबंधी रोग, किडनी, लीवर संबंधी समस्याएं तेरह मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर होती हैं। अब बात करते हैं चौदह मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता श्री कंठ तथा हनुमान जी हैं। तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी आदि से रक्षा करता है। निराशा, बेचैनी, भय, लकवा, कैंसर, भूत प्रेत बाधा आदि में आश्चर्यजनक लाभ देता है चौदह मुखी रुद्राक्ष। इस प्रकार हमने चौदह मुखी रुद्राक्ष के बारे में वर्णन किया। उपरोक्त वर्णन रुद्राक्ष का परिचय है। इसके धारण या एकाधिक रुद्राक्ष धारण कर लाभ लिया जा सकता है। धन्यवाद।